बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण करवाने के लिए भारत सरकार से बराबर विभिन्न विभिन्न माध्यम से मांग कर रहा है कि देश में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। इसी के तहत 4 दिसंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए जागरूकता रथ यात्रा गाजियाबाद से प्रारंभ की, जो प्रदेश के 66 जिलों में भ्रमण करेगी और अयोध्या में समाप्त होगी। गुरुवार को यात्रा धामपुर से मुरादाबाद पहुंची। यहां पर कांट रोड पर यात्रा का अनौपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा डॉक्टर अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी व राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल ने संक्षेप में स्थानीय नागरिकों को जागरूक किया और कहा कि सैन्य विमान दुर्घटना में तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत जी व अन्य 13 जवानों की मौत ने देश को झंझोर दिया है। यह दुख की घड़ी है। ऐसे में उन्होंने सभी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन कराया और आयोजन को स्थगित कर दिया। इस दौरान जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समीर विद्यार्थी ने बताया कि यात्रा का मकसद कठोर जनसंख्या कानून बनाने के लिए सरकार को विवश करना है। इस दौरान गुरविंदर सिंह, अशोक कुमार, दीपक वाषणे, रमेश आर्य एडवोकेट, अशोक गुप्ता रोटी वाले, शैलेश भारतीय, समीर विद्यार्थी, नमन पुलकित, राकेश शर्मा आदि रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी को खोया है। मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि जो भाई यहां बैठे हैं, जो मंच पे हैं और जो सामने हैं, वो अपना फोन साइलेंट कर लें 2 मिनट के लिए। अपना फोन साइलेंट कर लें, क्योंकि अगर बीच में बजेगा तो ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एकता, ये सारे विषय हैं ही, लेकिन इसके लिए सुरक्षा की भी आवश्यकता है। और जो लोग सुरक्षा में लगे हैं, चाहे वो भारत के अंदर की